अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग स्कॉलर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन रोल क्योंकि अलग तरीके से दो डिफरेंट टाइप्स उसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके यूपीएससी ऑप्शनल के पेपर में सबसे पहले तो पूछ लेता है आपसे रोल ऑफ किसी किसीजी का बनाओ या फिर वो पूछता है कि इस स्कूल को डिफाइन करो है ना इसको सेटअप पर क्या बताओ अगर वो बहुत ही डायरेक्ट फॉर्म में पूछना है इनडायरेक्ट उसको पूछना होगा तो वो किसी मैरिज के या फिर जिस भी किनशिप का इंस्टीट्यूशन है मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसको वो आपके सामने रखेंगे और उसके ऊपर कल्चरल चेंज के फिनोमना को वो एक तरीके से एड्रेस कर सकते हैं तो उसको एड्रेस करने के लिए मैरिज के ऊपर या फिर किनशिप के ऊपर फैमिली के ऊपर कुछ मेन प्रोपोनेट जो हैं जिनका काम है उसको आप बताओगे तभी तो आप चेंजेस बता पाओगे पहले क्या था वो आपको पता होगा तभी तो बाद में क्या हुआ आप उसको एड्रेस कर पाओगे तो यही चीज यहाँ पे चल रही है आपको देखने को मिल रही है हम पुराने कुछ लेक्चर्स में जो आपसे यूनिलीनियर इवोल्यूशन की बात कर रहे थे क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल आपके सामने चल रहा था जिसके अंदर में हमने टाइलर को पढ़ लिया ठीक है उनके प्रोमिनेंट स्टूडेंट कौन आर आर मेरिट उनके बारे में भी आपने पढ़ लिया नेक्स्ट हमने लास्ट दस क्लास में लास्ट पढ़ा और इनका कंट्रीब्यूशन काफी स्टेटमेंट एक, एक था सोसाइटी इनिशियली पेट्री लीनियल थी या फिर मेट्री लीनियल थी उसी के ऊपर एक डिस्कशन यहाँ पे भी होगा क्योंकि जो अभी हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं मेन के वर्क को क्रिटिक किया था जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था उसको करने से पहले इनिशियल में आपको यहाँ पे मैं बता दू ये दो स्पेसेस हैं लास्ट लेक्चरों में भी आपको बताया मैंने वहाँ पे ये सारी पीपीटीज कई सारे स्टडी मटेरियल्स लाइव क्लासेस भी जब स्टार्ट होंगी तो उसमें भी जो कई सारे ऐसे आपको फीचर्स जो होंगे स्टडी मटेरियल हो गया उसमें कई सारे न्यूज़ अपडेट्स जो होती हैं डाइनविक पोर्शन नॉट जस्ट फॉर एंथ्रोपोलॉजी पर अलग अलग जैसे आर्कियोलॉजी का आपका है जीएस में भी कवर हो जाता है आर्कियोलॉजी की कोई फाइंडिंग्स है ट्राइबल स्टडीज में कोई स्कीम आई है ट्राइबल वेलफेयर के लिए एस कम्युनिटी के लिए या फिर किसी और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो सारी चीज़ से रिलेटेड न्यूज स्टडी मटीरियल क्विजेज और कई सारी चीज़ हम ऑर्गेनाइज करेंगे प्लान करने की सोचेंगे तो इसीलिए आपके लिए दो न्यूज चैनल जो है वो हमने यहाँ पे एज पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सीरीज यहाँ पे खोली है एक आपका टेलीग्राम पे ये चैनल है द सेपियंस वर्ल्ड नेम सेम है दोनों जगह पे इंस्टाग्राम पे भी है द सेपियंस वर्ल्ड करके क्या आइडिया आप फॉलो कर सकते हो दोनों पे इन सारी चीजों के लिए मूविंग ऑन टू अर टूडेज कॉन्सेप्ट जो हम अभी डील करने वाले हैं वो है हमारा जॉन फर्गोसन मैकलैंडन जे एफ मैकलैंडन

कंपेरेटिव एथनोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी भी आप उनको कह रहे हो तो ये लोग उनके कंपेरिजन में एक तरीके से आप कहो हम लेसर तो नहीं कह सकते पर कंपेरेटिवली इनकी फेम जो है उनसे टाइलर से हंड्रेड परसेंट कम आपको देखने को मिलेगी पर फिर भी एज वाइज अगर आप बात करते हो तो आपको ये दोनों टाइलर से बड़े देखने को मिलते हैं अगर आपको याद होगा और जहां तक मैं सही आ, मुझे सही समझ रहा हूँ एटीन हंड्रेड थर्टी टू में आपको टाइलर का जन्म देखने को मिलता है कब गांधी जयंती के दिन ऑफकोर्स उस समय गांधी पैदा नहीं हुए थे तो आप गांधी जयंती टेक्निकली नहीं कह सकते हो लास्ट में हमने देखा कि जस्ट उससे एक डेकेट पहले किसका जन्म हुआ था मेन का 1822 में और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है ये उन दोनों के बीच में आते हैं 1827 में इनका बर्थ हुआ तो बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट आपको इस तरह के अगर समझो आपको काफी काम आता है एग्जाम में कि कौन पहले आया कौन बाद में आया ये आपके दिमाग में एक तरीके से रहना चाहिए भले आपको एक्जैक्ट उनका ईयर ना याद हो फिर भी ठीक है डेकेट याद हो जाए या फिर कौन किससे पहले आया कौन किसके बाद आया ये बहुत हेल्प करता है आपको अलग अलग जगहों पर दोनों के बीच में एक और कॉमन चीज है कि बाय प्रोफेशन बाय ट्रेनिंग दोनों लॉयर थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो बाद में उन्होंने डोमेन अपना चुना उनका वर्क जो था थीस उनकी थी जो उनके अलग अलग एक तरीके से आप हो थ्योरीज हैं वो आई एंथ्रोपोलॉजी में पर बाय ट्रेनिंग वो इस वाले सेगमेंट में आपको देखने को मिलते हैं कि दोनों लॉयर थे ठीक है एक और चीज कॉमन की दोनों इवोल्यूशनरी स्कूल पे काम कर रहे थे और दोनों मैरिज और फैमिली से रिलेटेड बातों को कह रहे थे ऑल दो इनका मैरिज पर ज्यादा फोकस था और आप बात करते हो मेन की तो उनका फैमिली की तरफ ज्यादा लीनिंग थी और लॉ की तरफ ज्यादा थी इसलिए हम उनको लीगल एंथ्रोपोलॉजी का फादर कहते हैं जबकि इनका भी इवोल्यूशनरी स्कूल था ठीक है वो भी क्लासिकल था ठीक है इवोल्यूशन के अंदर भी यूनि लीनर के अंदर आते हैं सारे के सारे पर डिफरेंस क्या था इनकी लीनिंग जो ज्यादा है वो लीगल के तरफ ना होकर के फैमिली की तरफ ना होकर मैरिज के ऊपर ज्यादा आपको देखने को मिलती है अब इन्होंने अपने वर्क में क्या इंपॉर्टेंट किया सबसे मेन बात होती है किसी भी थ्योरी को आप पढ़ते हो कि भैया कंट्रीब्यूशन तो बताओ उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन क्या रहा तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है पहले आप देख लो इनके जो वर्क है जिसमें ये इन्होंने ये बातें सारी अपनी कही हैं जो कि इनकी एक तरीके से आप कहते हो इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रिमिटिव मैरिज आपको याद होगा अगर याद थ्रेशोल्ड ऑफ रिलीजन किसका इंपॉर्टेंट वर्क है अगर आपने आर आर मैरिट का लेसन देखा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसमें उन्होंने बात की हुई है अपने जो उन्होंने एनिमेटिज्म की थ्योरी दी है या फिर माना पावर की जो थ्योरी दी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग नाइनटीन में वो पब्लिश होती है टाइलर की सबसे मेन वर्क क्या है एटीन में पब्लिश होने वाला उनका आपका प्रिमेटिव कल्चर ठीक है और आप देखते हो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था मेन के बारे में हम बात कर रहे थे तो उन्होंने एंशियंट लॉकर के बुक निकाली थी जो कि टायलर से भी दस साल पहले आ गई थी एटीन हंड्रेड एंड सिक्स में सिमिलरली इनका जो मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क है जो आपको हमेशा याद रखना है वो क्या है प्रिमिटिव मैरिज विच वॉज इन दयर एटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव याद कर लो आपकी शास्त्री का जब आप टेन्यूर था उससे सौ, सौ, सौ साल पहले खींच लोगे सिक्सटी फोर में नेहरू जी की डेथ होती है और उसके बाद पीएम वो बनते हैं तो आप उन्हीं के टेन्योर में सौ साल पीछे चले जाओगे तो आ जाएगा एटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव का या फिर आप कह सकते हो कांग्रेस कौ के फॉर्मेशन से बीस साल पहले तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को याद कर सकते हो अगर आप लिख देते हो तो ज्यादा वो सुटेबल होता है किसी का हमने शुरू भी कहा था कि ज्यादा नंबर फेच करने के लिए आपको का नाम कोट करना उसके वर्क और उसका ईयर उसकी प्लेस जहां पे उसने फील्ड वर्क किया ये सब बहुत ज्यादा मार्क्स फेसिंग टेक्निक है छोटे से में आप लिखते हो और सामने पता चल जाता है कि हाँ हिस्स फैक्चुअली वेरी बैलेंस एक्चुअली वेरी इनेबल्ड कैंडिडेट तो ये चीज आपको पता चल जाती है ठीक है दूसरा भी वर्क था उनका ये सेकंड वाला स्टडीज इन एंशंट हिस्ट्री सेवेंटी सिक्स में आया था ऑलमोस्ट इसके आप देखते हो एक डेकेट बाद पर ये उतना फेमस नहीं है ज्यादा जो फेमस है ज्यादा इसका एक तरीके से फेम है ग्लोबली वो ये है इनका प्रिमटिव मैरिज क्योंकि काम भी आप देख रहे हो इनका किसके ऊपर है प्रिमटिव मैरिज के ऊपर है ना अब इसमें इन्होंने कहा क्या मेन बात क्या हुई कालमुख्स की सोसाइटी है आप पूछोगे कालमुख्स क्या है प्रिमिटिव सोसाइटी आप एक तरीके से जैसे एथनिक ग्रुप होता है या ट्राइबल ग्रुप होता है उस तरीके से कालमुक्की पॉपुलेशन है इंडिया में जैसे आप देखते हो गोंड्स की ट्राइब है ठीक है अरियाज की ट्राइब है औरंग की ट्राइब है बहुत सारी ट्राइब्स आपको देखने को मिल जाती है साउथ में जाओगे तो इरोला की पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाती है नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको खासीज देखने को मिल जाते हैं ठीक है थीके? उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक ग्रुप था कालमुक्स का जिसके ऊपर इन्होंने काम किया था सर्वाइवल आई एम नॉट गोइंग टू लाइक एक्सप्लेन हेयर क्योंकि हमने जब मेरिट की बात की थी मेरिट में भी आपको सर्वाइवल के ऊपर बड़ा सा एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था और टाइलर का भी यहां पे करेंगे तो फालतू आपका लेंथ स्ट्रेच होगी और उससे हमारा दोनों का किसी का फायदा नहीं होगा हमारे टाइम और दोनों वेस्ट होंगे तो इसलिए अगर अगर आपको याद है सर्वाइवल तो गुड ध्यान में नहीं आ रहा है तो यू कैन गो एंड वॉच दी और, वीडियो और देन कम टू क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि सर्वाइवल का क्या है, प्रोग्रेस करो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा वरना दिक्कत होगी तो इन्होंने यही चीज को यहाँ पे एक रिकंस्ट्रक्शन uh, का मेथड यूज किया था हम बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन जब भी इवोल्यूशनिस्ट यूज करते हैं या फिर uh, एक तरीके से उसको एज अ टूल इंप्लॉय करते हैं तो उसमें क्या करते हैं वो सर्वाइवल्स की टेक्निक को या सर्वाइवल के मेथड को वो सामने लेके आ जाते हैं तो इन्होंने क्या देखा कालमुख की पॉपुलेशन के बीच में आई थिंक ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ब्रीफ में अब उसी को हम डिटेल में करने वाले हैं कि कालमुख्स के पॉपुलेशन के बीच में इनको पुराने टाइम में आप रिकॉर्ड देखोगे तो ब्राइट कैप्चर का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था ठीक है अलग अलग आप ट्राइबल सोसाइटीज में इंडिया की अगर बात करते हो तो अक्वायरिंग मेट्स यानी कि मेट पाने के अलग अलग तरीके होते हैं बाय आप कह सकते हो ट्रायल मेथड होता है ठीक है इंट्रूजन मेथड होता है जबरदस्ती आप कहीं पे किसी के घर में घुस जा रहे हो आप आ, आ, जाते हो कभी कभी देखने को मिलता है कि कैप्चर होता है यानी उठा ले जाते हो किडनैपिंग टाइप की चीज़ होती है एडक्शन वाली चीज़ होती है म्यूचुअल uh, कंसेंट्स आपको देखने को मिलता है हो सकती है ठीक है बहुत सारे तरीके होते हैं तो उसमें से एक तरीका ये भी होता है ब्राइट कैप्चर तो ये लोग क्या करते थे जब इनको जो मेल मेंबर थे उनको शादी करनी होती थी मेट सिलेक्शन होता था मेट को एक्वायर करना होता था तो वो एक तरीके से ब्राइट को कैप्चर करते थे उठा के ले आते थे ठीक है इसमें क्या आपको तो देखने को मिलता है अब ये सीन आप यहाँ पे प्रेजेंट सोसाइटीज में प्रेजेंट कालमुख की जो पॉपुलेशन है उनके बीच में इसकी जरूरत नहीं है है ना अब ये नहीं होता है पर फिर भी जब ब्राइट कैप्चर आप करते तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस होगी ना कोई आपको रोकेगा आप किसी के घर से किसी को उठा के ले जाओगे तो जाहिर सी बात है कोई आपको रोकेगा तो उस समय जब लोग रोकते थे तो वहां पे फाइट होती थी रेजिस्टेंस होता था ठीक है अब क्योंकि ये प्रैक्टिस रही नहीं गई लेकिन फिर भी इसका रेमेनेंट सर्वाइवल के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है इसलिए मैं कह रहा हूं कि सर्वाइवल आपको पता होना चाहिए नहीं तो डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा सर्वाइवल के तौर पे हमें ब्राइट कैप्चर का कालमुख सी पॉपुलेशन के बीच में एक रेमेनेंस रेमेनेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलता है उसके अवशेष आपको देखने को मिलते हैं और लोग वहां पर एक तरीके से शादी के समय एक रिचुअल के फॉर्म में कर रहे होते हैं उसको जो कि जरूरत नहीं होती है पर सिर्फ एक रिचुअल जैसे उसका आप कह सकते हो पोट्रेल कर रहे होते हैं मिमिक कर रहे होते हैं उसको इमिटेट कर रहे होते हैं मॉक फाइटिंग होती है और मॉक रेजिस्टेंस होता है कि जो हस्बैंड है वो लेके जाना चाह रहा है लेकिन उसको लोग रोक रहे हैं जाहिर सी बात है जनवली उसको रोकना नहीं चाह रहे पर आप देख रहे हो कि वहां पे एक उसकी मिमिक हो रही है पुरानी प्रैक्टिस को मिमिक कर रहे हैं वो एक्चुअली नहीं रोक रहे हैं तो ये होता क्यों था पुराने समय में पुराने समय में आप देखते हो कि क्या होता था जो विमेन का नंबर है वो बहुत लैक करता था अब विमेन का नंबर लैक क्यों करता था विमेन का नंबर लैक इसलिए करता था क्योंकि विमेन को एज अ बर्डन देखा जाता था सोसाइटी में है ना क्योंकि जो हंटिंग है गैदरिंग है सारी चीजें जो जिसमें मेहनत लगनी थी जिसमें ज्यादा आपको मसल पावर चाहिए होती थी हर चीज की जरूरत पड़ती थी वो मैन करते थे इकोनॉमिक सारी चीजें डिफेंड कप करना प्रोटेक्ट करना वॉर करना ये सारी चीज़ें मैन कर रहे होते थे तो मैन को एज एन एसेट देखा जाता था ठीक है और डॉक्टर्स डा। होती थे तो उनको एज ए लाइबिलिटी देखा जाता था इसलिए क्या होता था कि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रैक्टिस है कि बच्ची जो अगर होती थी बेटी होती थी डॉक्टर्स होती थी तो उनको मार दिया जाता था

इन अ वेरी लूज मैनर है ना कोई रिजिड बाउंड्रीज नहीं है कोई ऐसा नहीं कि कौन किससे कर सकता है कौन किससे नहीं कर सकता है तो इस तरीके की इंडिपेंडेंस होती है इस तरीके का एक फ्रीडम होता है पॉलीएंड्री क्यों हो गई क्योंकि पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल है वाइफ सिंगल है महाभारत का के केस ले सकते हो आप अगर द्रौपदी की बात करते हो ठीक है उनके एग्जाम्पल इसमें आप कोट कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो तो वो वाली चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि मैन का नंबर ज्यादा है इसलिए बहुत सारे मेन एक वुमेन से शादी कर रहे हैं अब यहाँ पे क्या होता है इस चीज से ये चीज जो वुमेन का नंबर कम था वो वाली आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे खत्म हो आपको देखने को मिलती है कि खत्म हो जाती है एक और चीज इससे जुड़ी जो आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पे किनशिप स्टेटस जो होता है है ना वो फीमेल के थ्रू लोग ट्रेस करने लगते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में मेन के लेक्चर में हमने बताया कि लीनियर लीनियज क्या होगी आपकी जब आप गोत्र या प्रवर का सिस्टम पढ़ते हो एंड सिस्टर्स पढ़ते हो ये इनके फादर वो उनके फादर कौन किसका फादर कौन किसका इस तरीके से जनरेशन का ट्री देखते हो फैमिली ट्री देखते हो तो वो इन्होंने शुरू किया ट्रेस करना किसकी तरफ से मदर के साइड से फीमेल की साइड से क्यों क्योंकि मेल कौन बायोलॉजिकल फादर है पता ही नहीं एक ही वेमन के चार से पांच हस्बेंड है, है तो कौन किसका उस समय, है, नहीं, है, नहीं, की तो आप पता ही नहीं कर सकते है वो तो एक ही है बच्चा तो उसका है तो आप उसकी लाइन से सारी की सारी इनहेरिटेंस और सारी की सारी जो ट्रेसिंग होगी जिनियोलॉजी अगर बनानी होगी तो सब आप फीमेल लाइन में करोगे है ना तो इसीलिए कहते हैं कि जो इनिशियल में सोसाइटी थी वो मेट्रिलीनियल थी ये बात सीधे उल्टे में है किसके मेन के जो कि अपना एग्जाम्पल कोट करके बताएं सोसाइटी शुरुआत में पेट्रिलियनियल थी लेकिन ये कह रहे हैं एग्जाम्पल देखिए के पूरी केस स्टडी के थ्रू बताया रिकंस्ट्रक्शन किया सर्वाइवल के थ्रू और क्या बताया कि मेट्रिलियनियल थी क्यों पेट्रिलियन हो ही सकती क्योंकि पता ही नहीं होगा कि कौन किसका फादर है तो आप ट्रेस कैसे करोगे जब आपको पता होगा कौन किसका फादर है तभी तो आप वो करोगे जब फादर पता ही नहीं है आपको सिर्फ मदर पता है कि कौन मदर मदर तो एक ही है तो जाहिर सी बात है वहां पे मदरसिक के थ्रू उस लाइन में एनसी ट्रेस होगी इसके बाद जो प्रोमिस की हमने स्टेज यहाँ पे आपको बताई उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि पॉलीएंड्रस स्टेज आ जाता है ठीक है बहुत सारे लोग एक तरीके से मेल की तरफ करने लगे और मेल में भी एक और चीज नहीं आती है दो तरीके के एक पॉलीएंड्री शुरू हो जाती है पॉलीएंड्री हमने बात किया मल्टीपल मेल्स होंगे फीमेल एक ही होगी वाइफ एक ही होगी पर उसमें भी आपको दो तर, 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 तरीके देखने को मिल जाते हैं पहला क्या है तिब्बतन या फेटर्नल इसमें जो सारे के सारे मेल हस्बैंड है वो आपस में भाई भाई होंगे जैसे आप पांडवों की बात करते हो सब आपस में भाई भाई थे और एक ही विमेन का हस्बैंड तो उसको आप कहते हो फेटर्नल या फिर टिब्बटन पॉलीएंड्री, जबकि इसका उल्टा सिनेरियो जब होगा जिसको आप कहते हो नायर या फिर नॉन फेटर पॉलीएंड्री, उसमें क्या होगा कि दोनों जो भी हस्बैंड्स हैं वो आपस में भाई भाई आपको देखने को नहीं मिलते हैं नेक्स्ट पे आप आते हो तो यहां से क्या होता है आज के समय में आप देखते हो जब भी जब की समय की बात कर रहे हो अभी की की प्रेजेंट बात नहीं कर रहे हैं दो की जब ये अपना वर्क कर रहे थे उस समय की जो तो सोसाइटी थी वहां पर देखने को नहीं मिलती थी ठीक थी? है तो इससे आपको क्या पता चलता है इससे उन्होंने प्रूफ इसका उनको कैसे पता चला थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ लेब ये एक लेबेट का इंस्टीट्यूशन होता था जिसके एग्जिस्टेंस को उन्होंने यूज किया है ना जिसमें अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ जो है वो देवर से देवर विवाह जिसको आप कहते हो तो उसके ब्रदर से एक तरीके से शादी करेगी तो लेवरेट का सिस्टम देखने को मिलता था तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया किसने मैकलिन साहब ने कि हाँ ये लेवरेट का इंस्टीट्यूशन ये प्रूव करता है कि पहले इस तरीके से शादी होती रही होगी भाइयों भाइयों में ठीक है फेटर्नल पॉलियट्री होती रही होगी नेक्स्ट चीज इन्होंने क्या किया एक और इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने ये दो टर्म एंडोगेमी. एक ग्रुप के अंदर कोई शादी हो रही है तो उसको आप कहते हो तो ग्रुप के बाहर हो रही है तो उसको एक्सोगैमिक आपका कास्ट ग्रुप हो सकता है क्लास ग्रुप हो सकता है विलेज एज अ ग्रुप आप देख सकते हो उसको ठीक है कोई भी आपका हो सकता है सोशल ग्रुप किसी भी ऑर्डर का नेक्स्ट चीज जो ये कहते हैं कि किनशिप की जो बात करते हैं किनशिप जब ट्रेस होती है ना तो फादर लाइन में तो नहीं हो रही थी मदर लाइन में हो रही थी अब फादर लाइन में करना है मेल डोमिनेंट हो रहा था तो कैसे करेगा उसने सोशल फादरहुड का ले लिया कि आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हो कि कौन फादर है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप बेटर है क्या करो सोशल फादर हुआ यानी कि जो सबसे एल्डेस्ट ब्रदर होगा उसको आप डिक्लेयर कर दो कि सारे बच्चों का बाप उसी को कहा जाएगा तो यहाँ पे बायोलॉजिकली तो फादर नहीं है पर लीगली या सोशल फादर uh, उसको कंसिडर किया जाएगा तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है लीगल और सोशल फादरहुड का एक और बात ये कहते हैं कि जब एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है है ना सेटल हो जाते हो सब लोग तो फीमेल इन्फेंट्री की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं क्योंकि खाना है सबको आप खाना दे रहे हो तो रिसोर्सेज है आपके पास कोई वॉर नहीं हो रही है हंटिंग गैदरिंग की जरूरत नहीं है अब सेटल्ड इकोनॉमी है तो जाहिर सी बात है फीमेल को मारने की जरूरत नहीं है तो ये जब चीज आती है तो प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंट्री जो होती है उसको बैंडन किया जा सकता है सेक्स रेशियो जो बैलेंस हो जाएगा आपका ठीक है और सेक्स रेशियो बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी का एक ही जगह पर सेटल होगा तो आपके पास प्रॉपर्टी है सरप्लस है तो किसके पास जाएगा वो आप किसको इनहेरिट करोगे आपके पास गाड़ी या कुछ भी चीज है उस समय में जो भी होते थे टूल्स हैं ज्वेलरीज हैं जो कुछ भी वो बनाते थे सेमी प्रेशियस मेटल्स सेमी प्रेशियस स्टोन वगैरह से पत्थरों से तो वो कहाँ जाएगा किसके पास जाएगा तो वो एक तरीके से इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जरूरी हो गया इसीलिए वहां पे आप देखते हो कि जो प्रोमिसक्विटी के बाद पॉली एंड्री आई थी वहां से एक नया शिफ्ट देखने को मिलता है जिसको आप कहते हो मोनोगेमी यानी हर इंसान एक सिंगल पार्टनर से मैरिज करेगा क्यों क्योंकि उससे मोनोगेमी रहेगी तो ये पता रहेगा कि हाँ किसके पास जाना है ठीक है ऐसे तो झगड़े हो सकते हैं भाई किसके पास जाएगा इतने सारे फादर हैं ठीक है उतने सारे बच्चे हैं कौन किसके लाइन में जाएगा इनहेरिटेंस किसके पास क्या सामान जाएगा एक बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है मोनोगेमी रहेगा मदर एक है फादर एक है बच्चे जो भी है किसके पास कितना जाना है आपस में बांट दो तो एक तरीके से तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो इस तरीके से ये बताते हैं इन्होंने सारी चीज से क्या बताया आप देख रहे हो अगेन हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशनिज्म की तो इन्होंने सेम बात वहां पर स्ट्रेस आउट कर दी थीम ऑफ मैरिज बताई कि पहले थी कोई प्रोमिसड नहीं तो मैरिज करेगा फिर पॉलीएंड्री आई और लास्ट में आपको मोनोगेमी यानी कि सिंगल पार्टनर्स का देखने को मिलने लगता है सो so, ये आपका था आज का लेक्चर दिस वॉज अबाउट मैकलेन कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको देख रहे हो फिर से हम याद दिला दे अगर आप ये नोट्स जो है पीपीटीज uh, आपको इजिली एक्सेबल हो जाएंगे आप क्यू आर कोड जो आपके सामने है इसको यहाँ पे स्कैन कर सकते हो और ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर ऑन मैकलेन Uh, in the next lecture, we'll be back with some other anthropology, some other school of thought. Till then, thank you and have a nice day. Study IQ is. Hui affordable.